तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान राजस्थान तक से खास बातचीत में पायलट ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। पायलट की रैली में युवा नारे लगा रहे थे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। इस सवाल पर पायलट ने कहा कि ये लोगों की भावना है, पर इसका निर्णय हाईकमान और विधायक दल करेंगे, अभी तो पूरा फोकस चुनाव जीतने पर है। भारी संख्या में लोग हैं और लोगों के साथ सचिन पायलट का हुजूम है। सचिन पायलट जी, 2018 का वो दिन याद आता है जब भीतर जलसे में आप निकले थे। लगता है 5 साल बीते ही नहीं, अभी का हालत याद आ रही मेरे को। 5 साल पहले भी मैं यहाँ नामांकन भरने आया था और लोगों का प्यार और आशीर्वाद लगातार बढ़ रहा है। मैं इसके लिए सबका बहुत बहुत दिल से कायल हूँ, आभार हूँ, आभारी हूँ। क्या लगता है टोंक में इस बार, पिछली बार 54,000 रहा था, इस बार? मुझे लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी की मजबूत जीत होगी। मैं नहीं जानता हूँ भाजपा का कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन जो विकास के काम हम लोगों ने कराए हैं, जो अमन चैन के यहाँ पर कई बिसात बिछाई है, मुझे लगता है लोग खुश हैं, मतदाता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। पिछली बार आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आए थे, इस बार MLA के रूप में आए हैं, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? कांग्रेस में कभी कोई उम्मीदवार CM का कोई घोषित नहीं होता, हमेशा बहुमत आने के बाद विधायक तय करते हैं और पार्टी का लीडरशिप तय करती है कि कौन नेता बनेगा। अब तो हम सब चुनाव लड़ रहे हैं बहुमत लाने के लिए। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा, ये लोग जो ये नाचते गाते आई लव यू नारे लगाते हैं, ये क्या क्या विटामिन है इनका, क्यों आते हैं आपके पास? ये मेरा विटामिन है, लोगों का प्यार है और जो भावना है, जो जोश है, मैं समझता हूँ हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए ये संजीवनी होता है और सालों की काम और मेहनत को देखकर लोगों ने मन मनाया है। मैं बहुत मैं समझता हूँ ये जनता का जो प्यार है ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति, और पब्लिक ने जो काम देखा है उसके आधार पर लोग नेताओं को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि सचिन पायलट को भगवान ने नवाजा है, ऐसा क्या किया जो इस तरह से लोग पागल? नहीं, ये सब लोगों का संबंध है और संबंध बनाने से बनते हैं, ताली दो हाथ से बजती है। हमारे कार्यकर्ता लोगों के लिए हम दुख सुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं और हमारे दुख सुख में वो खड़े रहते हैं, तो ये संबंध नाते बनाने से बनते हैं। और ये नौजवानों में जो जोश है, मैं समझता हूँ ये हम सबकी सबसे बड़ी ताकत है। वहाँ पर दिल्ली में टिकट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रंधावा जी, डोटासरा जी वहाँ है, आप यहाँ नॉमिनेशन भर रहे हैं। समुद्र जैसा उत्साह है लोगों में। ये टिकटों को लेकर जो मीटिंग हो रही है, आप यहाँ हैं? वो पार्टी का काम है, जो सुझाव मुझसे मांगे थे मैंने सुझाव दिए हैं। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, जो लोग जनता के बीच बहुत लंबे समय से रह गए, अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि पार्टी का निर्णय है अंतिम किसको टिकट दिया जाएगा, जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। बहुत सारे समर्थक हैं आपको, थोड़ा मायूस भी दिखाई दे रहे हैं, नामों में देरी हो रही है। अब ये पार्टी का निर्णय है, जो सुझाव मुझसे मांगे गए थे पूरे प्रदेश भर में मैंने सुझाव दिए हैं। बार बार कह रहा हूँ कि कमजोर जो व्यक्ति है, जो किसान वर्ग के हैं, जो नौजवान कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पर चलेगी। जो आपके चाहने वाले उन्हें कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टिकट मिलना ना मिलना पार्टी का निर्णय है, पार्टी का सर्वे होता है, फीडबैक होता है, नेताओं की सलाह होती है और कभी कभी सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। मुझे लगता है कि सबको मिलकर पार्टी की मदद करनी चाहिए, टिकट एक व्यक्ति को मिलता है लेकिन पूरी ताकत के साथ पार्टी बहुमत की तरफ बढ़े, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। या नारे लग रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, लोगों की भावना हो सकती है, लेकिन मंत्री मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बनता है ये विधायक दल के नेता तय करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम कई बार चुनाव हारे हैं, एक बार हम 20 पे रह गए थे, 50 पे रह गए थे, इस बार पहली बार मौका मिला है जब बहुमत ने हमारी सरकार पार्टी की, हम चाहते हैं हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो, लेकिन कौन किस पद पे बैठेगा इसका निर्णय किसी नारे से नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे भी आपको अभिवादन करने के लिए खिड़कियों से देख रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि कौन किस पद पे बैठेगा इसका निर्णय जीतने के बाद विधायक दल के सभी सदस्य और कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, किसी के कहने से या किसी को अपने आप CM डिक्लेयर करने से को CM नहीं बनता। 25 सितंबर की घटना के बाद भी आपको इस बारे में थोड़ा सा शक नहीं है? उस घटना में जो हुआ सबने देखा, उसका खेत खोद अशोक गहलोत जी कह चुके हैं, उनको है, माफी मांग चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए।
कांग्रेस के ज्यादातर सर्वे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सरकार आपकी बन नहीं रही है, आपको क्या भरोसा है? ये सब सर्वे खराब है, बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, सरकार हमारी बनेगी। युवाओं के झूमने और पायलट के समर्थन में उनके उत्साह के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मेरा विटामिन है, ये जनता का प्यार है, यही सबसे बड़ी पूंजी है और ये लोगों का मेरे प्रति संबंध है। किसानों और नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, टिकट मिलना न मिलना पार्टी का निर्णय है, सबको मिलकर पार्टी की मदद करनी चाहिए। सचिन पायलट के साथ रैली में चल रहे कांग्रेसी नेता रघु शर्मा ने कहा कि इस बार की भीड़ पिछली बार के मुकाबले डबल है और सचिन पायलट मुख्य धारा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।